पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को नीति आयोग की बैठक से बीच में ही उठकर चली गईं। उनका कहना था कि उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया गया और विरोध दर्ज कराते हुए वो बैठक से बाहर आ गईं। इस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से सांसद लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए वो ये ड्रामा कर रही हैं। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी पुष्टि की है, उनको प्रधानमंत्री बड़ा नेता बनना है, इसलिए वह ड्रामा कर रही हैं। टीएमसी पॉलिटिक्स ड्रामे से भरी हुई है। ममता दीदी की कोई इच्छा नहीं कि वह पश्चिम बंगाल का भला करें, इसलिए मीटिंग से पहले वह निकल आईं। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इसे पूर्व नियोजित कदम बताया, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय आवंटित किया गया था। वित्त मंत्री ने बनर्जी पर झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने का भी आरोप लगाया। बीजेपी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, नीति आयोग की बैठक के बारे में ममता बनर्जी जो कुछ कह रही हैं, मुझे लगता है कि वह झूठ बोल रही हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि किसी राज्य के सीएम को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ममता बनर्जी जानती थी कि वहां क्या होने वाला है, उनके पास पूरी स्क्रिप्ट थी। वहीं पीआईबी फैक्ट चेक में भी ममता बनर्जी के दावे में दम नहीं निकला। पीआईबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये दावा भ्रामक है, इसे खारिज किया जाता है। पीआईबी की तथ्य जांच में कहा गया कि उनके बोलने का समय समाप्त हो चुका था। चलिए अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने नीति आयोग की मीटिंग में भेदभाव का आरोप लगाया है। दिल्ली से कोलकाता पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने 20 मिनट तक अपनी बात रखी। असम, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने भी 15-20 मिनट तक अपनी बात रखी, लेकिन मुझे केवल 5 मिनट अपनी बात रखने का मौका दिया गया। मीटिंग में मुझे घंटी बजाकर रोकना शुरू कर दिया गया। मैंने कहा, अगर आप बंगाल की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो ठीक है, और मैं बैठक का बहिष्कार करके चली गई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा मानना है कि राज्य और केंद्र के बीच हमेशा सहयोगात्मक संबंध होने चाहिए, विकास पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने सोचा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मीटिंग में सभी के लिए बोलूंगी। मैं बोलना चाह रही थी कि कैसे एनडीए के सहयोगियों को ज्यादा और अन्य को कम बजट दिया गया। यदि आप राज्यों को पंगु बना देंगे तो केंद्र भी पंगु हो जाएगा। ममता ने कहा कि मैंने उन्हें भारत भूटान नदी के मुद्दों के बारे में बताया। तीस्ता बांग्लादेश मुद्दे पर कई लोग गुमराह कर रहे हैं, इस पर हमने अपनी बात रखी। बंगाल की सीएम ने कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि सबके लिए 5-7 मिनट निर्धारित है। मैंने कहा कि आप लगातार घंटी बजा रहे हैं, मैं वरिष्ठ नेता हूं। मुझे बोलते हुए 6 मिनट से अधिक नहीं हुए हैं। मैं एकमात्र विपक्षी नेता हूं जो यहां पर आई हूं। आगे से सोचना होगा कि क्या हम वहां फिर से जा सकते हैं या नहीं। वे अब झूठ बोल रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, मुझे कुछ राज्यों पर विशेष ध्यान देने से कोई समस्या नहीं है। मैंने पूछा कि वे अन्य राज्यों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मैं सभी राज्यों की ओर से बोल रही हूं। मैंने कहा कि हम वे हैं जो काम करते हैं, जबकि वे केवल निर्देश देते हैं। उन्होंने कहा, नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं है, तो यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय शक्तियां दें या योजना आयोग को वापस लाएं? टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई थी। वे पश्चिम बंगाल की मांगों को उठाना चाहती थीं, लेकिन 5 मिनट बाद उनका माइक बंद कर दिया गया, जिसके बाद वे बैठक का बहिष्कार करके बाहर आ गईं। यह सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल का अपमान है।